अरे क्या करे बेटा, देख रहे हो ठंड इतना भयानक पड़ रही है, अब क्या बताएं, हाय भी चाय सुनाई दे रही है। अरे पीके बेटा, आज तू इतना शांत क्यों बैठा है? अरे तू क्या करूं सर, नाचू? ओ गुस्सा गया। अरे पूजा देख रही हो, जो आदमी अकड़ के बैठता था आज ठंड के वजह से सुकड़ के बैठा है। अरे सर आपका जो काम हो करिए ना, फालतू की बातें क्यों कर रहे हैं? अरे ठीक ठीक कर रहे हैं। अबे पटले, तू बिना कुछ पहने स्कूल आ गया? उलथल तया तलू, मम्मी ने तो तबले बुले थे तब धुलाई तल दी। अबे जब तेरी मम्मी सब कपड़ा पड़ा धुलाई करती थी तो आज तू स्कूल ही नहीं आता। अरे वाह, सर ने क्या दिमाग दिया छुट्टी करने का, अब मैं कल से ऐसा ही करूंगा। अबे देख नहीं रहा कितना ठंड पड़ रही है, मर जाएगा। अरे तब तलते पहनते आऊंगा। अबे जा कहाँ रहा है क्योंकि आंसू पोछने वाले तो बहुत मिल जाते हैं लेकिन नाक पोछने वाला कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मेरा बात याद रखना, अगले दिन से जाके वॉकेट पहन के आना भैया। ठीक है सर। आप ठंड ठंड बहुत कर रहे हैं, हम आपसे कुछ पूछे ठंड के बारे में तो आप बताएंगे? बताएंगे? अबे पूछ तो, बताऊंगा क्यों नहीं। तो सर आप हमें ठंड से बचने का उपाय बताइए। ठंड से बचने का उपाय? तो सुनो, तुम्हारे घर पर लकड़ी है? सर नहीं। अबे खाना कि नहीं? अरे सर क्या बात कर रहे हैं, खाना क्यों नहीं खाएंगे? अबे तो खाना बनता कैसे है? अरे सर वो तो गैस से बनता है। ओ चल छोड़, तुम्हारे घर पर हीटर तो होगा? अरे सर आप हीटर की बात कर रहे हैं, हमारे घर पर मीटर भी नहीं है। अरे यार क्यों? मिट्टी का तेल तो होगा? सर पहले मिट्टी का तेल मिलता था, अभी तो वो भी बंद हो गया। अबे यार तुम्हारे घर पर माचिस है ना? हाँ हाँ माचिस तो है ना। तो तू एक काम कर, घर की जितनी भी कपड़ा लगता, जूता चप्पल खटिया मचिया रजाई गद्दा है, उसमें आग लगाकर तू भी उसमें कूद जा, ठंड से बच जाएगा। अरे सर ये कौन सा उपाय? अबे ये हमेशा हमेशा के लिए ठंड से बचने का उपाय है, एक खास करके तेरे लिए है। सुअर कहीं का, घर से जैकेट वाकेट तो पहन के आते नहीं हो और यहाँ आके हमसे ठंड से बचने का उपाय पूछ रहे हो?